हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कॉपर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट वीक। तो कॉपर फ्यूचर लास्ट ट्रेडिंग सेशन 763 पे क्लोज हुआ है, लगभग 3 रुपये नीचे, 0.04% डाउन। फ्राइडे के दिन हमने क्लोजिंग देखी और यहाँ से जो है तो यहाँ पे हमने ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। तो चलो एनालाइज करते चार्ट और देखते अगले हफ्ते के लिए क्या टारगेट्स और क्या ट्रेड हो सकता है कॉपर में। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ हमने लगभग 1.7% नीचे बंद हुए थे, लगभग 12-13 रुपये लॉस के साथ। इस महीने जो है तो कॉपर लगभग 27 रुपये गेन के साथ ट्रेड कर रहा है, 3.7% अप। तो यहाँ अच्छा खासा बिल्डअप दिख रहा है लॉन्ग साइड पे और नीचे के लेवल से अच्छी खासी खरीदारी देख रहे हैं हम। ऊपर के लेवल देखे थे हमने, मगर वहाँ से जो है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमने ऊपर के लेवल पे देखा है। इस महीने का जो लो था वो था 733 और हाई था लगभग 791, तो लगभग 60-70 रुपये के रेंज में ऑलरेडी कॉपर घूम चुका है और ऊपर के लेवल से सिग्निफिकेंटली हमने प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखी है। अभी हम मिडल में खड़े हुए हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि कॉपर जो है तो एवरेजेस को अभी छोड़ना शुरू कर दिया है और ऊपर की तरफ के ट्रेंड जो है तो पकड़ चुका है। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा एज पर वीकली चार्ट। और इस वीक हम जो है तो लगभग 5 रुपये नीचे बंद हुए। लास्ट वीक हमने लगभग 11-12 रुपये का गेन देखा था, 1.55% का गेन देखे थे। लास्ट टू वीक जो है तो कॉपर गेन के साथ बंद हुआ था। इस वीक जो है तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है और प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम जो है तो 763 पे बंद हुए हैं। यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे कॉपर जो है तो बुलिश लग रहा है, मगर यहाँ नीचे आपको सपोर्ट के अराउंड खरीदना है। और डेली चार्ट पे भी देखेंगे कि बाय का ट्रेड बनता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर्स जो है तो फिलहाल जो है तो वीक ही दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये बाउंस बैक हो और इसके बाद में फिर से जो है तो शायद सेल ऑफ आ सकता है। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म चार्ट देखने पड़ेंगे। यहाँ वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट दिख रहे हैं वो 745 और 715 के सपोर्ट जोन है। अगर इन लेवल पे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक आने की संभावना है, मगर वीकली चार्ट मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक था या फिर शॉर्ट कवरिंग रैली थी जो फिजल आउट हो चुकी है और शायद हम नीचे के लेवल कॉपर में आते हुए देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट ट्रेड के लिए कि क्या ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ कॉपर में जो ऊपर के टारगेट थे वो सभी अच्छे हो चुके हैं, इसीलिए कॉपर नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल के सभी टारगेट अच्छे होने के बाद अभी यहाँ जो है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ मेरा कॉपर पे जो है तो जैसे हम 760 का लेवल ब्रिज करते हैं तो मेरा सेलिंग का व्यू रहेगा। यहाँ 760 के नीचे जो है तो मुझे लगता है कि कॉपर जो है तो एक अच्छा खासा नीचे के लेवल दिखा सकता है। और नीचे जो टारगेट रहेंगे हमारे वो रहेंगे 745 से लेकर 725। तो आपको 760 के नीचे बेचना है। यहाँ थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकता है न्यूज़ फ्लो के ड्यू टू न्यूज़ फ्लो, मगर यहाँ जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 775 का। तो बड़ी रेंज है इसलिए इतना परफेक्ट ट्रेड नहीं बैठता यहाँ। तो हम शायद इंट्राडे में या फिर आवरली चार्ट पे देखकर जो है तो ट्रेड लेंगे। अभी फिलहाल यहाँ जो ट्रेड बनता है वो शॉर्ट साइड का बनता है, मगर उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 775 का। करंटली 763 है और मुझे लगता है कि जैसे हम 760 के नीचे स्लिप होंगे हमें 745 और 725 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और यहाँ मेरा बेरिश व्यू है, यहाँ हम सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने की वजह से फिलहाल इसको इसमें ट्रेड करना इतना फिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड जो है तो थोड़ा सा है, क्योंकि 745 करंट लेवल से इतना कुछ नहीं, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो देखते हैं हम आवरली चार्ट पे जो हमारा डेली एनालिसिस है उसमें देखेंगे कुछ ट्रेड निकल के आता है तो वो वैसे मैं ट्विटर या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल मुझे यहाँ जो है तो वीकनेस लगती है और नीचे कॉपर जो है तो 745 से लेकर 725 के लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। और अगर ये वॉर का टेंशन बिल्डअप हो गया या फिर एक्चुअली वॉर स्टार्ट हो गया तो यहाँ अच्छा खासा सेल ऑफ भी आ सकता है कॉपर में। तो इसके वो ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आई है तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन है शायद, और 745 से लेकर 725 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वो एक लॉन्ग टर्म करेक्शन रहेगा। अभी फिलहाल जो है तो कॉपर लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टिल बुलिश है मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बेरिश है,
या फिर करेक्टिव फेज में, नॉट अ बेयरिश बट करेक्टिव फेज में है, और डेली चार्ट पे ऑलरेडी हम टारगेट अचीव कर चुके हैं, अभी जो है तो करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज में जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ मोस्टली हम बेयरिश साइड का ट्रेड लेंगे, मगर वो लेवल हमारे लेवल पर आता है तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और जो टारगेट आएंगे वो 745-725 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सर कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।